आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अड़की प्रखंड के माइलपीड़ी गांव की मगदली मुंडू के समस्या पर मैंने विगत 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। प्रस्तावित उच्च विद्यालय डुडरी ते हिज उतई के ना दो होरार को सब के ना पुलिस को साइकिल उधर के तई के ना दो इनता आते पुलिस को गेरा के इनते आ डेरा को इदी के इन आ डेरा रे सुबेन सामान को दाना के दको जित ओ को नाम के दा एना तो इनता रे ड्रेस को चेंज रे के जेने चम ड्रेस ओ चे में निया ड्रेस को चे में स्कूल होन बाइन तने को मिता इन तन दो पुलिस को सब के माते बाद रे आम के कुत्ता को दिखे निया थाना को दिखे इन बाद रे कुठरे को दिखे ने कुठरे ये बेल्टे को काय चो जा छि टाई को बेल्टे को ओचो में को मिता इन तना एंते दो को थाबड़ी ले ये जोवार रे नते बाद रे कुत्ता को दिखे मा डुंगर दगे ते को दिखे ने नते महिला प्रोबेशन होम नाम कुम रे को जुगाव के ने ओड़ा आरन को चिल के को मुंडी के दछि आम महिला प्रोबेशन नाम कुम रे में आमा मेंते महिला प्रोबेशन होम रे मी उकिल सेंताई के ना दो इन उकिल के अलेस्टर दादा के को उदुबे ये इन अलेस्टर दादा के को उदुबे इते जब हम लोगों के प्रयास से मगदली मुंडू को रिहा किया गया तो हमने और हमारे साथियों ने सोचा कि मगदली मुंडू के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए किसी भी हालात में किसी अनुदान प्राप्त विद्यालय में नामांकन करने का फैसला किया। इसमें देखिए महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है, आप आई थी और हमने आपको वहाँ बच्चे को ले जाने के लिए कस्तूरबा गांधी अड़की में ले जाने के लिए प्रेरित किया। आप वहाँ गई, प्रयास आपका सफल रहा, हमको खुशी है कि एक लड़की और पढ़ने के लिए आगे आ गई। वो पढ़ेगी तो उसका परिवार, उसका समाज आगे बढ़ेगा, ये सबके लिए खुशी की बात है। डीसीस का कहना था कि उसको मेरे विद्यालय में एडमिशन दिया जाए। मेरे मन में एक बात जागा कि जो कार्य क्षेत्र मेरा है, यहाँ हम लोग जो भी शिक्षक हैं, हम लोग का कार्य यही रहता है कि समाज को हम आगे बढ़ाएं, उसका कुछ कल्याण हो। और मगदली के साथ जैसा था, उसने यही एक बात निकल रहा था कि उसको समाज में उसको जोड़ना है। अगर कहीं वो गलत है या सही है, लेकिन उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इसके लिए मैंने मन ही मन सोच लिया कि इसका एडमिशन लेना है, और चाहे जब डीसी की स्वीकृति है तो इसको जरूर से जरूर मैं अपने विद्यालय में रखूंगी। उसी प्रकार उन्नाव के समूह में पहले महिला फॉरेशन होम में रहते थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, अब तो स्कूल में आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। और नया सहेली लोगों को साथ हम पाए तो उन लोग के साथ हम अच्छी लग रहे हैं। मैं एक अच्छी टीचर बनने चाहती हूँ ताकि मैं भी बच्चों को पढ़ा सकूँ। मेरी सोच है यहाँ पर कि उस बच्ची का अदालत में जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जहाँ एक बच्ची पढ़ रही है उसके मन में ये बात आना चाहिए, ये भावना आनी चाहिए कि मेरे जो सहपाठीगण हैं वो कहीं एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं उसके बाद में एक तरफ से उसको कचोटते रहेगा कि नहीं, हमको अगले महीने हमको फिर अदालत में जाना है, फिर मेरी हाजिरी होगी। इससे उसका मन डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा से वो हमेशा यही सोचते रहेगी कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले वहाँ क्या बोलना है, क्या पूछा जाएगा, इस पर उसका दिमाग घूमता रहेगा। तो जहाँ हम उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लाए हैं, वहीं कहीं ना कहीं उसको मुख्य धारा से दूर ले जा रहे हैं, तो ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास ये है कि समस्याएं चाहे गंभीर क्यों ना हो, समाज और सरकारी पदाधिकारी का सोच यदि सकारात्मक हो तो मिलजुल कर प्रयास करने से बदलाव निश्चित है। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।